5 दिन से प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रही है कर्मचारियों के, और इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं गौरव टाक। हमारे साथ अभी गौरव टाक है, इनसे बात करेंगे। सर, कितने टाइम से आप यहाँ पर बैठे हो? 5 दिन की तो मेरे को नॉलेज है, कितने पूरे समय से प्रोटेस्ट चल रही है? 38वां दिन है आज। इस 38 दिन में हमने बहुत कुछ इस निगम से सीखा और देखने को मिला। निगम के जो अधिकारी हैं उनके अंदर दया दृष्टि और दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों को पूरी रूप से शोषण करना, इनको अधिकारों को हनन करना, भ्रष्टाचार करना अच्छी तरीके से आता है। लोगों की समस्याएं, लोग कितने भी चीखते चिल्लाते रहे कोई फर्क नहीं इनको पड़ता। आज नगर निगम गुड़गांव के सामने आप देख रहे हैं, 5 दिन से धरना दिन रात का चला हुआ है। हमने अपने परिवारों को 5-5, 7-7 दिन हफ्ते भर से छोड़ा हुआ है। 32 दिन से हम फरोज गांधी कॉलोनी के पार्क में थे, मैसेज देते थे, कमिश्नर साहब हरिओम अत्री, हरिओम अत्री जॉइंट कमिश्नर हेडक्वार्टर, बड़ी मीठी सी गोली देके आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, ये फाइल वहाँ है, ये फाइल हुआ है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत भाई चौटाला जी के छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने कमिश्नर साहब से, मैं उनसे मिला जब दिग्विजय सिंह जी से, तो मैंने उनको बताया पूरा। उन्होंने टेलीफोनिक माध्यम से तुरंत प्रभाव से कमिश्नर साहब से बात की और कहा कि इनकी पूरी जो समस्या है उसको सुन के ख़त्म करने का काम करो। वहाँ इन्होंने सीएम साहब से तो हाँ भर ली, उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हरियाणा के अर्बन रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अपने मंत्री श्री अनिल विज जी से पर्सनली गुड़गांव रेस्ट हाउस में मिला। वो चिट्ठी मैंने उनको दी कि जिन लोगों को निकाला गया, उस चिट्ठी को लेके कमिश्नर साहब, मेरे को ऐसा लगता कागज कोई खा गए, वो निगम में है ही नहीं। तो इनका मानसिकता ये है कि लोगों को पीड़ित करना है, इनके अधिकारों को इनको आर्थिक तौर पे भी मानसिक तौर पे भी पूरी तरीके से गुलाम बना कर। जब ऊपर से सारी चीज़ें हो गई, मुख्यमंत्री जी से भी आपने बताया, अनिल विज जी से बात हुई है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं लागू? ठेकेदारों ने चोरी करने का पुड़िया षड्यंत्र गुड़गांव को मानना हुआ है। जैसे भाई ने बताया कि इन समाज के लोगों को सुपरवाइजर लगा देता, लड़कों को उनके ऊपर दबाव बनाता कि अपने समाज के लोगों की जबरन तुम जाके सैलरी खोज के लाओ, तो ये तो क्रिमिनल हो गया ना, ये तो परिवर्ती, ये तो तानाशाह हो गए, ये तो तालिबान। जैसे तालिबान संसद में घुस गया ना, ये लोग नगर निगम गुड़गांव में ठेकेदार घुस गए हैं। आप मान के चलना ये नगर निगम गुड़गांव में अधिकारियों की नहीं चलती, ना किसी मंत्री की चलती, ना किसी सीएम की चलती, इसमें तो बस ठेकेदारों का एक छत्र राज है और उनकी पूरी तुत्ती यहाँ पे बोलती है। इसीलिए ये कर्मचारी आज धरने पे है और ये कर्मचारी जब इस धरने से उठेगा, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। 12 पॉइंटों पे हमने बात की है, 12 पॉइंटों पे बात कर ले हमसे, यदि ये 12 पॉइंटों पे हमसे बात नहीं करते धरना ऐसे चलता रहेगा। ये हमें गोली मारे, ये हमें बंदूक मारे, ये हमें तोप मारे, ये धरना पीछे नहीं हटेगा, लड़ते रहेंगे। प्रशासन गुड़गांव नगर निगम के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है वो इस कर्मचारी ने, डॉक्टर समाज ने खोल दिया है कि इनकी 12 मांगे हैं और 12 मांगे अगर नहीं पूरी होती तो 3 दिन के बाद ही हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। माय नेम इज साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। जय भीम, जय भारत।